चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने से जुड़ा है। प्रियंका ने हाल में एक रैली के दौरान बयान दिया था। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को भेजे नोटिस में कहा है कि आयोग को 10 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी से एक शिकायत मिली हुई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में असत्यापित और गलत बयानबाजी की है, जो जनता को गुमराह करने और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की क्षमता रखता है। चुनाव आयोग की नोटिस के मुताबिक भाषण के वीडियो और मध्य प्रदेश के CBO के माध्यम से प्राप्त ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार प्रियंका गांधी ने कहा था कि मोदी जी जो है यह BHEL था, जिससे हमें रोजगार मिलता था, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया, किसको दे दिया, बताएं मोदी जी किसको दे दिया, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया। नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा, आम तौर पर जनता मानती है कि वरिष्ठ नेता, वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी के स्टार प्रचारक की ओर से दिए गए बयान सच है। ऐसे में अपेक्षा की जाती है कि नेता उसकी ओर से दिए गए बयानों की जानकारी हो और उसके पास तथ्यात्मक आधार हो, ताकि मतदाताओं को गुमराह करने की कोई संभावना ना रहे। नोटिस में आगे कहा गया है कि अब इसलिए आपसे किसी अन्य राष्ट्रीय पार्टी के स्टार प्रचारक के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर स्पष्टीकरण देने और 16 नवंबर 2023 को रात 8 बजे तक कारण बताने के लिए कहा जाता है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आपके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। जो ये BHEL था, जिससे हमें रोजगार मिलते थे, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया, किसको दे दिया, बताएं मोदी जी किसको दिया, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया। एक नहीं, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं आज उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में है, आज वो उनसे कमा रहे हैं। प्राइवेट हो गई हैं सारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां में जो पेंशन मिलता था वो भी नया पेंशन हो गया है। लोग घबराते हैं कि 20 साल के बाद, नौकरी करने के बाद हमारे पैसे कहां डाले जा रहे हैं हमें खुद नहीं मालूम, कल को गलत जगह डाल दिए, इन्वेस्ट कर लिए, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, हमारे सारी 20 सालों की कमाई चली जाएगी।